हेलो दोस्तों, राम राम नमस्ते। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं और मेरे दोस्त हम बहुत दिनों से राजस्थान के बीकानेर शहर में घूम रहे हैं, और मेरा मानना ये है कि अगर हमारे को किसी भी कल्चर के बारे में जानना है तो उनकी परंपराओं का एहसास होना भी हमारे को बहुत ज़रूरी है। हम बीकानेर में हैं तो ऐसा यहाँ की पुरानी परंपरा बताई जाती है कि यहाँ लोग पान जरूर खाते हैं खाना खाने के बाद। तो हम भी सोच रहे हैं ट्राई करते हैं आज पान खाना, लेकिन हम कोई नशे वाला पान नहीं खाएंगे, हम सिर्फ मीठा पान खाएंगे जो सिर्फ खाने का ही होता है। तो यहाँ पूछते हैं अभी और पान पैलेस। वैसे तो पान बनाने के बहुत ज़्यादा तरीके हैं, लेकिन ये सबसे बेसिक और सिंपल वाला तरीका है। ये क्या होता है अंकल? कत्था। अच्छा, कत्था लगाया है। ये सुपारी है उसमें। ये ठंडे वाली है ना, ठंडी होती है ना सुपारी। ये क्या अंकल? मुलेठी। अच्छा, ये चमन। अच्छा, हाँ मुलेठी, समझ गया। ये अंकल जी मठ। हाँ ये चैरी कल भी थी। इसे मीठा था ना? ये क्या अंकल? गुलकंद। अच्छा, ये गुलकंद। ये ठंडा करता है शरीर में। गुलाब के पत्तों से गुलाब। अच्छा, ये तो इलायची रेडी हो गया। चल भाई खाऊं। हमारे को पान इतना अच्छा लगा कि हम कुछ बोल ही नहीं पाए। पान का स्वाद आप हमारे एक्सप्रेशन से पता लगा सकते हैं कि हमारे को कितना अच्छा लगा होगा ये। ठीक है अंकल जी, पान बहुत अच्छा लगा हमारे को। नमस्ते।